आप लोगों के बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ आपको, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है पूरा आज आप लोगों को दिखाएंगे। और देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे भी अभी लगाए जा रहे हैं, वो देख सकते हैं, वो खंभे भी लगाए जा रहे हैं। तो चलो आपको पास से ही दिखाते हैं वहीं से। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब आइए बच्चे होंगे, मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तहे दिल से। तो आपको बता दूं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं साइडों में। और आपको बता दूं कि इस पर ब्लैक टॉप हो चुका है, अब इस पर लैंड मार्किंग का काम बचा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें अपनी आँखों से। और आपको बता दूं ये साइड में बच्चे पड़े हुए हैं बिंग्स, जो कि सेगमेंट के साइड में जोड़े जाते हैं, सेगमेंट तो जुड़ रहा है और इसके ये बिंग्स को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर पड़े हुए हैं देख सकते हैं तस्वीरें। और ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है बन के, इस पर पूरा ब्लैक टॉप भी हो चुका है, देख सकते हैं ये है कुछ बिंग्स जो जोड़े जाते हैं, जिसको देख सकते हैं ये थ्री लेन के, ये टू लेन है, इसमें दो लेन है, इस वाले बिंग्स में दो लेन बनेंगी, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और दो लेन है इसके सेगमेंट में, यानी कि चार लेन का एक्सप्रेस पे, यानी कि चार चार आठ, आठ लेन का एक्सप्रेस पे है एक्सेस कंट्रोल्ड। और इसकी तीन तीन लेन है, वो हैं इसकी सर्विस लेन, वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे चल के। तो आप लोग बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते इधर तो लैंड मार्किंग कर दी जा चुकी है, आगे इसकी लैंड मार्किंग नहीं हुई है और ना पीछे हुई है। तो आप लोगों अभी चलते रहो आगे, पूरी वीडियो देखो, और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में। और ये है पैकेज फोर, और आपको बता दूं ये है खिड़की दौला से हम निकल चुके हैं, जो कि NH44 पड़ता है जयपुर हाईवे, दिल्ली टू जयपुर हाईवे, यानी कि गुड़गांव से हम आ रहे हैं। और खिड़की दौला पे जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है बहुत बड़ा, उसके आप लोगों ने, मैंने दो वीडियो डाले, एक नीचे का दिखाया, दूसरा ऊपर का दिखाया, अब तीसरा वीडियो एक और जो इंटरचेंज है वो आ रहा है आगे, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो ये बिल्डिंग चमक रही है उसके सामने ही इंटरचेंज बनाया जा रहा है, और वो इंटरचेंज है एलिवेटेड गाइस। तो एलिवेटेड पे कितना कुछ वर्क हो चुका है, कहाँ कहाँ जाएगा वो आप लोगों को बताएंगे। और साइड में आपको बता दूं जो भी ये बिंग्स पड़े हुए हैं, इसके साइड में ही आपको बता दूं बीकर अंडर पास बनाया गया है, जो कि इसमें टू व्हीलर यानी कि गाड़ियाँ दौड़ेंगी, टू व्हीलर वाहन दौड़ेंगे दोनों साइड में, इसके अंडर पासिस बनाए गए हैं, वो भी आप लोगों को अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा केपी संत का, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लेकिन आप लोगों का एक कमेंट मेरा इतना हौसला बढ़ाता है, इतना हौसला बढ़ाता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, ताकि हमें भी पता चलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो से ज़्यादा बनाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो देख सकते हैं इसका ये रैंप बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट उतर जाएगा, फिर उसके बाद में ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा दोस्तों। तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कितने सारे लॉन्चर लगे हुए हैं, क्योंकि यहीं पर एलिवेटेड जो आप लोगों को पता इंटरचेंज है वो बनाया जा रहा है। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से इस सेगमेंट को जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से ये बिंग्स को जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर गए। देखो दोस्तों किस तरीके से ये सेगमेंट जोड़ा जाता है, वो अपनी आंखों से देख सकते हो, वो सेगमेंट जोड़ा जा रहा है, फिर इस पर बिंग्स जोड़े जाएंगे। तो देख सकते हो ये लॉन्चर लगा हुआ है, और लॉन्चर ही इस सेगमेंट को जोड़ता है। और ये देख सकते हो क्रेन मशीन, कितनी भारी भरकम ये क्रेन मशीन है, और इसी को ये जोड़ेगा लॉन्चर गाइस। ये देखो तस्वीर है आप लोग, कुछ यही नज़ारे हैं।
तो आपको बता दूं कि देख सकते हो जो रैंप बनाने का काम था वो रैंप बन गया है। इधर ये सारे में रैंप बन गया और यहाँ पर ये अभी बिंग्स को ऐड कर दिया जाएगा। ये जोड़ा जा रहा है बिंग्स को, बिंग्स को जोड़ने के बाद में फिर इसको ये सेगमेंट को जोड़ा जा रहा है, फिर इसके बाद में बिंग्स को जोड़ दिया जाएगा। और लॉन्चर देखो एक ये लगा हुआ है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये बिंग्स को जोड़ा जा रहा है सेगमेंट पे, और सेगमेंट को देखो वो लॉन्चर जोड़ रहा था आगे, और ये देख सकते हैं इसको बिंग्स जोड़ रहा है, इसको बिंग्स देखो किस तरीके से ये जोड़े जाते हैं बिंग्स, अपनी आंखों से देख सकते हो वो लॉन्चर लगा हुआ है बिंग्स को जोड़ने वाला, और ये देख सकते हो ये है पूरा इंटरचेंज। तो ये वाला ये आपको बता दूँ कि ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है, ये मेन हाईवे का है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और जिस पे ये स्टील का जो ब्रिज बनाया गया है वो इसका है सर्विस लाइन का। जो सर्विस लाइन पे भी देखो एक लॉन्चर लगा हुआ है, ये जोड़ रहा है सेगमेंट को, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है, ये ऐसे घूम के और फिर ये इधर चला जाएगा खिड़की दौला की साइड में। गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो इस पर ही आपको बता दो सर्विस लाइन पर ही ये ब्रिज बनाया गया है स्टील का। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है। जो इसका मेन अलाइनमेंट है वो देख सकते हो, वो है इसके सेगमेंट को जोड़ा जा रहा है ये, और फिर इसके बाद में इसके बिंग्स को जोड़ा जाएगा, और ये आप पार्ट है, ये है आपका सर्विस लाइन का। तो ये सर्विस लाइन पर ही बनाया गया है ये आपको बता दो ब्रिज, और ब्रिज बनाया गया क्योंकि इसके नीचे से होकर जाएगा इसका ये मेन अलाइनमेंट है, जो सेगमेंट है और इसके आपको बता दूं बिंग्स हैं वो ऐड कर रहा है, वो नीचे से जाएगा और इसके ऊपर से सर्विस लाइन जाएगी गाइस। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लग रहा है फिर भी कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस के पसंद आप लोगों के बीच में लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस के पसंद के चैनल पर देखते रहो गाइस।
इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसके विंग्स को जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर शीशे लगाने का काम चल रहा है गाइस। देखो दोस्तों इस तरीके से बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे। देखो अभी इसमें सेगमेंट जोड़े जाएंगे, अभी नहीं जोड़े गए हैं, जैसे कि ये जुड़ रहे हैं इसी तरीके से इधर भी जोड़े जाएंगे, ये देख सकते हो। ये और यहाँ से हम उतर जाएंगे इस रैम को, ये उतरने का ही है, ठीक है। तो इसको यहाँ ख़त्म कर देते हैं और आगे बनाते हैं अब दूसरी। तो टीम वर्क कर रही है, देख सकते हैं इसके सर्विस लाइन को भी और इसके मेन अलाइनमेंट को भी। तो इस पर अभी ये स्ट्रक्चर जोड़ा जा रहा, फिर इसके ऊपर शीशे लगाए जा रहे हैं और शीशे किस तरीके से लगाए जाते हैं वो देख सकते हो। ये टीम लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें दोनों साइड के, क्योंकि उधर तो मैन अलाइनमेंट पर तो इसमें शीशे लगा दिए गए हैं, अब इसके सर्विस लाइन पर देख सकते हैं ये टीम लगी हुई है, ये देखो कस रही है। और इस पर फिर शीशे लगाए जाएंगे और शीशे इसलिए लगाए जाने हैं ताकि दोनों साइड का आपको देखने के लिए मिले पूरा, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है गाइस, आपको क्या ही बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।